हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू पीपल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहन रखा है ट्रेडिशनल अटायर कोड। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल क्या है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। आज हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल का नाम है पोंगतु फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बनाते हैं तुत्सा कम्युनिटी के लोग, तुत्सा ट्राइब के लोग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जितने भी तुत्सा फ्रेंड्स हैं मैं उन लोगों को विश करना चाहूँगा हैप्पी पोंगतु टू यू ऑल। आप अपने फेस्टिवल को पूरी अच्छी तरह से बनाइए। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा ड्रेसिंग करके एंड अभी मैं जाने वाला हूँ चांगलांग ऑफिसर कॉलोनी ग्राउंड पे जहाँ पर आज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं वहाँ जाऊँगा और अपने फ्रेंड से मिलूँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा जो तुत्सा ट्राइब से बिलोंग करता है, और मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल को एंड अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। जैसे कि कहते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर मीन्स लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो हमें अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों से सीधे ग्राउंड पे मिलता हूँ और वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड के बाहर में, ऑफिसर कॉलोनी ग्राउंड के बाहर में। ये आप देख सकते हैं ये वेलकम करने के लिए गेट बनाया गया है। तो अभी हम सीधे अंदर जाएंगे। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूं ग्राउंड के पास और ये है एंट्री गेट। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से बनाया गया है। अभी मैं अंदर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां पर क्या क्या है। तो चलिए गाइस अंदर जाते हैं। अभी मैं अंदर जाने वाला हूं। सब ट्रेडिशनल अटायर ड्रेस पे आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये पब्लिक लोगों के लिए बनाया गया है सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए गाइस मैं आप लोगों को स्टेज पूरी अच्छी तरह से दिखाना चाहूँगा सामने से। ये है स्टेज और ये ब्रदर है जो ड्रोन उड़ा रहे हैं। वीडियो शूटिंग यही करने वाले हैं आज और ये मेरे हेल्प करने वाले हैं। मैं इसे थैंक यू कहना चाहूँगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ्रेंड से मुलाकात करूँगा जो तुत्सा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मैं उनका इंटरव्यू लूँगा। तो ये है वो फ्रेंड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सबको हैप्पी पोंगतु। और मेरा नाम कमवांग पोंगते है, मैं चांगलांग से बिलोंग करता हूँ। सो अभी आप पूछे और ये आज का पोंगतु क्यों बना रहे हैं वो आप बता सकते हैं? आप लोग बेसिकली ये हम लोग का एक्चुअल में ये हम लोग का कॉमन, हम लोग का जो दूसरा कम्युनिटी है ये हम लोग कॉमन में मना रहे हैं। वैसे तो ये बस्ती लेवल में होता है, विलेज लेवल में कोई सबसे पहले चांगला मनाता है हम लोग का पोंगतु फेस्टिवल, और सबसे लास्ट ख़त्म करता है हम लोग का कुथुंग विलेज लास्ट ख़त्म करता है। तो उस चांगला से पहले ना कोई मना सकता है और कुथुंग के बाद ना कोई मना सकता है। कोई रीति रिवाज है? हाँ ये रीति रिवाज है, हम लोग का लॉ है ये। तो अगर लॉ को ब्रेक करता है तो साइड से फाइन इम्पोज करता है साइड से ना ये। और आज का दिन 11th of April ये हम लोग का फेस्टिवल मना, हर साल ये हर साल सेलिब्रेट होता है। तो ये हम लोग का आज का दिन हम लोग का फेस्टिव दिन है आज। कितना दिन सेलिब्रेट किया जाएगा इसको? वैसे तो 10th से शुरू हो जाता है हम लोग का, 3 to 4 days। कितना दिन सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअल में 3 days, अप टू 13। और चांगलांग में मना रहा है एक, और हम लोग का खोनसा में भी मनाता है, खोनसा एग्जैक्ट टाउन में। तो एक्चुअल इसका मतलब ये मनाने, हम लोग का पोंगतु फेस्टिवल मनाने का एक रीज़न है कि ये हम लोग का नया सीजन है, न्यू ईयर हम लोग इसको मानते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारा यहाँ में पेड़ पौधा जो नया जो उग रहा है अभी ना, उसको मतलब अच्छा होने के लिए और वेलकम करता है, और हम लोग का जो कल्टीवेशन ना अच्छा होने के लिए हम लोग मनाते हैं। और अभी आप देखेंगे कुछ नियम करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कुछ कुछ जनों से जो मतलब अच्छा से हम लोग का रीति रिवाज जाने ना, और लोग तक और लोग तक मतलब सही बात को पहुंचाने के लिए। हम तो उतना नहीं सकेगा बात बोलने के लिए, बट हम लोग का जो सीनियर है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो लोग आपको अच्छा से मतलब बता पाएंगे। सो थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अभी मैं एक छोटा सा घर में घुसने वाला हूँ जो ये ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है बेम्बू से। तो अभी मैं कुछ लोगों से
पूछताछ करूँगा, मैं अंदर जाने वाला हूँ बुजुर्गों लोगों से। আমার ভাষাতে লংসং খুব জুতা পংটুতে এইটো লংসং টুপিটো এইটোহে পিন্ধি পালে আমাৰ নিজৰ দুটা এড্ৰেছ এড্ৰেছটো এইটো আছে আমাৰ। ये बना रहा है हमारा जो तुसा मोल हम तुसा पंक्तु के लिए वो टोकू का पट्टा इनका हम ये टोकू पट्टा से बनाते हैं ना हम लोग। टोकू पट्टा से हम बनाता है ये, लेकिन हम लोग का इसका पंक्तु फेस्टिवल में हम फैशन का इसका साथ में हम जुड़ गया है। हम लोग जो मुर्गी और ये चांग वो ये लकड़ी ये हम लोग का यो डाउ खप का हमारा ये नियम इनका हमारा जो नाना और सब नियम करेंगे ना हम लोग यहाँ से वो नियम करके आज तक है। पहले से हम लोग वो टूट से आके वो नियम करके वही कर रहा है। हेलो सर, आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, मेरा नाम होंगयक कुंखो है, मैं भी तुत्सा कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ। आज आप लोग ये पंक्ति फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये हम लोग का पहले से ही मतलब चल के आ रहा है, हम लोग का एंसेस्टर से ही चल के आ रहा है, और उसका मेन मकसद है कि प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और ये हर बीमारी से प्रोटेक्शन हो, और बम्पर हार्वेस्ट स्पेशली ना, मतलब नया साल का वेलकम। हाँ, नया साल का भी वेलकम होता है। और पोंगतू मतलब और ऐड करना चाहूँगा, जो नेचुरल कैलेमिटी होता है स्पेशली हवा ना, उससे मतलब प्रोटेक्शन मिले हम लोग, यही है मेन मकसद तो। और भाईचारा का ये मैसेज हम सब देते हैं इस पोंगतू के द्वारा, हर ट्राइब के साथ अपना बीच में तो है ही है ना, तो हर दूसरा ट्राइब का साथ भी भाईचारा का मैसेज हम इस पोंगतू के द्वारा स्प्रेड करते हैं, उसका मेन मकसद वही है। आप लोग ये हर साल बनाते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल हर साल और हर बस्ती में भी मनाया जाता है। अब ये जो हो रहा है आज का, ये तो ये जनरल है? जनरल है, क्योंकि जनरल तो मतलब मनाना पड़ता है ना। इसके अलावा हर एक बस्ती में होता है, मनाया जाता है। हर एक बस्ती में लास्ट ईयर तो नहीं बनाया गया ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं था, नियम के लिए तो मनाया गया था, ऐसे बॉम एंड शो का साथ तो नहीं था ना, गवर्नमेंट का भी मतलब बड़ा से नहीं बनाया, मना वो हेल्थ का वो इशू लेके। ये पंक्तु का मेन डे कब है, मतलब आई मीन आप लोग कितने दिन बनाएंगे इसे? वैसे तो कल से ही शुरू हो चुका है और दो तीन दिन जाएगा, और तो मेन मेन तो आज ही है, आज है। और आज का फेस्टिवल क्या एक ही दिन होगा या दो दिन मनाया जाएगा इस बार का जो पंक्तु हो रहा है? आज मेन है ना, आज मेन है, कल भी चलेगा परसों भी होगा। पर आज फंक्शन तो एक रात में खत्म हो जाएगा, अभी ट्रेडिशनल में होगा एंड रात को मॉडर्न। रात को मॉडर्न मीन्स उसमें वही है, आज मेन है ना, तो रात का तो जस्ट एंटरटेनमेंट का हिसाब से भी हो जाता है, मॉडर्न का उसमें फेवर भी तो थोड़ा आना चाहिए ना, और वीआईपीस का एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए, उसका गेस्ट सब भी है, वही है, बाहर से भी आने वाले हैं। थैंक यू, अभी करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। तो अभी आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हो चुके हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में, अपने अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए खड़े हो रहे हैं यहाँ पर ढोल वगैरह लेकर। ये 30 मिनट आ चुके हैं।
आ रहे हैं आज का जीपीएस है। तो यहाँ पर नियम करने के बाद गेस्ट लोग निकल रहे हैं अभी, एंड देन अभी जाएंगे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं ये गनशॉट फायर करेंगे। ये ऐसे वैसे गनशॉट नहीं मारा जाता है, ये नियम के कारण इसे मारा जाता है। ये आप देख सकते हैं ये गन पाउडर डाल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ढोल जैसा बजाया जा रहा था ये, तो मैं एक बुजुर्ग से पूछना चाहूँगा, इसे क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में? ये हमारा दूसरा जनजातियों का एक हमारा लैंग्वेज में बोले थोम, और ये घर जो है बांग। ये घर जो बनाया गया है ना जी, आप देख सकते हैं ये घर जो बांग बोलते हैं, और इसका मतलब है मीनिंग ये है प्राचीन काल में हम लोग इसमें मेल डोमिट्री कहा जाता था। तो उसमें प्राचीन काल में जब हेड हंटिंग का समय में यहाँ में मेल जितना है मेंबर्स रात को यहाँ में इकट्ठा करता था। तो इकट्ठा करके कहाँ से दुश्मनी आएगा, कहाँ क्या करना है, कल क्या करना पड़ेगा, सोशल वर्क ऐसा उसको यहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाता था एलम जी। और ये वुडन ड्राम जो है उसको थम बोलते हैं। तो ये थम जो है ये एक आपको एक अलार्मिंग टाइप का ये सिग्नल दिया जाता था। तो ये थम को जब हम लोग का कुछ इंफॉर्मेशन होने से गांव वालों को गुड इवेंट्स या बैड इवेंट्स में भी ये अलग अलग सिग्नल का टाइप होता है तो उसको बजाया जाता है। तो बैड इवेंट्स में भी उसका अलग तरीका से ये बजाया जाता है, तो उसमें पता चलेगा कि हाँ गांव में कुछ घटना हो रहा है, यानी कि कुछ हो रहा है बोलते। और उसका बाद नेक्स्ट में जो है ये अपना फेस्टिवल में भी हम लोग यहाँ में इकट्ठा करके ये फेस्टिवल का अलग से उसको ढोल को ये लॉकडाउन को बजाया जाता था। तो फेस्टिवल का अलग साउंड होगा, तो उसमें मालूम हुआ कि हाँ अभी इन लोग का दूसरा फेस्टिवल हो रहा है ऐसा था। हाँ, ये जो अभी आप देख सकते हैं ये क्या से बनाया जाता है, ये जो आप बता सकते हैं ये जो ये जो है अब जंगल से ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा। और ऐसा वाला ये होल भी उस होल होना पड़ेगा। हाँ, और छोटा भी नहीं होना पड़ेगा, एक बड़ा घास को देख के यहाँ की होल है ताकि हम लोग बजाने से उसको अच्छा से साउंड निकले। ऐसा वाला घास को हम लोग चुना जाता है जंगल से, और जंगल से उसको लाने के लिए फिर नियम किया जाता है। हाँ जी, तो पूरा सारा गांव मिलके उसमें भी नियम होगा, तो नियम करके उसको लाया जाता है। तो उसको लाने में भी बहुत दिक्कत तो लगता है, फिर भी अपना परम्परा है अपना संस्कृति को ये बचाए रखना है। तो जैसे भी हम उसको जंगल से जैसे भी हम लोग पूरा सारा गांव मिला के किसके लाते हैं। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। और सुनने में आया है कि अनोंग सिंह आने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है और एक सिंगर भी है अरुणाचल प्रदेश के। तो लगता है आज बहुत ही धूम मचने वाला है, रात को नाच गाना होगा एंड फैशन शो वगैरह होगा। तो मैं आप लोग से शाम को मिलता हूँ।